का स्वागत है दिन भर की तमाम खबरों के साथ। मैं रवि कुमार मीणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गुरुवार को पलवल कैंप स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पलवल ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जिसके तहत भारतीय संस्कृति और उसके महत्व और साथ ही उपयोगिता को विभिन्न माध्यमों से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पलवल कैंप स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पलवल ब्लॉक के करीब 15 स्कूलों के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कला उत्सव में बच्चों की प्रतिभा के अनुरूप कई प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसका मकसद बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिल सके। इसमें डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, ड्रामा आदि प्रमुख हैं। कार्यक्रम के बारे में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्याम सुंदरी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि ये कला उत्सव की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें बच्चे विभिन्न श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका एक निर्णायक मंडल द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और कहा कि इन प्रतिभागियों में से ही जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता के लिए स्कूलों का चयन किया जाएगा। इसमें आज पलवल ब्लॉक का फंक्शन है। पहले ये 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक स्कूल लेवल पे हुआ था, अब 16 से लेकर 30 तक ब्लॉक में होना है। जब आज हमारे ब्लॉक में, पलवल ब्लॉक में इसका आयोजन किया गया, इसमें करीबन 15-20 स्कूलों ने भाग लिया है हमारे ब्लॉक ने। और इसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, म्यूजिक, थिएटर और ऑडियो विजुअल और सिंगिंग की। तो जिसमें अलग अलग बच्चे 6 से 8 के, 9 से 12 के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। किस तरह से ये कला और संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? हाँ, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही पहले इसे स्कूल लेवल पे हुआ, फिर ब्लॉक पे हुआ, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर स्टेट में इसकी टीम जाती है, पूरे स्टेट का इसके उसमें चयन होता है, तो आगे नेशनल लेवल पे। किसी तरह की तैयारियाँ कराई जाती है? हाँ, ऐसा ही है, हर स्कूल अपने लेवल पे जो थोड़ा बहुत बनता है सभी तैयारी करा के आगे जाने की कोशिश करते हैं। जो आगे बहुत आगे जाते हैं, जैसे कई बार तो वो अच्छी तरह से तैयारी कराते हैं, जिनका एम्स थोड़ा बहुत होता है वो थोड़ी बहुत। कब तक चलेगा ये? चलेगा इस महीने, अगले, मतलब ये तो डेट होती है ऊपर से आई हुई, अभी मुझे ब्लॉक लेवल की और स्कूल लेवल की डेट का ज़्यादा पता है, डिस्ट्रिक्ट का आगे पता है। 30 तारीख, कल 3 में हुआ था ये, शायद ये बता रहे हैं, जैसे मुझे बताया आज हमारे यहाँ पर है ये, फिर होटल ब्लॉक और हाँ चयन होने के लिए इसमें जज नियुक्त किए होते हैं, और वो जज ही इसमें जैसे 6 से 10 के सबके नॉर्म्स दे रखे हैं इसमें, कि इसमें इतने बच्चे होने चाहिए, इस तरह के आइटम होने चाहिए, सब कुछ बताएं नॉर्म्स की, वहाँ से हमारे डायरेक्टर ऑफिस से इसका चयन। पलवल स्थित पंचायत भवन में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला के तहत प्रदेश भर से आए बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाने के उद्देश्य को लेकर के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा सरकार द्वारा 5 दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में प्रदेश के प्रत्येक जिले से 5 बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दे रही वाणी राजमोहन ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस कार्यशाला में बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व को बताया जा रहा है,
जिससे बच्चे पश्चिमी संस्कृति के पीछे ना भागें। वर्कशॉप हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं वर्कशॉप के लिए, और बच्चों को भारतीय संस्कृति के टूवर्ड सूची दिलाने की एक आशा लेके आए हैं, जो कि आजकल बच्चे टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा जा रहे हैं, तो फिर उनके अंदर एक जागरूकता करने के लिए ये आयोजित किया गया। डांस प्लस थिएटर वर्कशॉप चल रहे हैं यहाँ पे, और 110 बच्चे आए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, और काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि इन लोगों के साथ वर्क करने में, और उनकी जिज्ञासा जो है जानने में काफ़ी रुचि रख रहे हैं बच्चे भी, और अच्छा लगा हमें। तो मैम ये वर्कशॉप कितने दिन चलेगी? अभी ये वर्कशॉप आज लास्ट है, और कल इसकी प्रस्तुति होगी सुबह क्लोजिंग के साथ, उसमें हमारा एक डांस परफॉर्मेंस है जो हम इन सब बच्चों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो ये प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये प्रोग्राम यहीं पर आयोजित है, यहीं पर इसी जगह, ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ही है, केंद्र विभाग की तरफ से। ये जो आप वर्कशॉप बता रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? वर्कशॉप अपनी संस्कृति को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसके माध्यम से बच्चों को अच्छे उस पर लेके आना, जो राह भटक जाते हैं तो उनको एकांत उस पर लेके आने के। तो क्या क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? अभी जो बेसिक्स होते हैं वो सिखाए जा रहे हैं, गुरु को कैसे आदर करते हैं वो सबसे पहले सिखाया जा रहा है, और इसका जो उद्देश्य तो यही है कि बेसिक्स से लेके एकदम तो नहीं सीख सकते, ये विधा को सीखने के लिए काफ़ी सालों की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनतों की ज़रूरत है, तो अभी कुछ कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं कि आगे भी कर पाएँ, तो ये बच्चे साथ रहेंगे तो ज़रूर होगा, और अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि 110 बच्चे कम नहीं होते कि एक वर्कशॉप में आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, तो हम काफ़ी खुश हैं यहाँ पर आके। तो मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी होना चाहिए ऐसी हर कला के माध्यम से जो बच्चों के साथ या मतलब लोगों के साथ जुड़ा जा सकता है, वो शायद बाकी का उस पर नहीं हो सकता। हरित क्रांति व पौधारोपण अभियान के अंतर्गत गांव जटोला में मंत्री पुरगोयल पहुंचे, जहां उनका प्रथला सरपंच एकता मंच के प्रधान गिरिराज सिंह ने फूल मालाओं और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। मंत्री विपुल गोयल ने हरित हरियाणा विभाग का शुभारंभ किया। पलवल में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पटला विधानसभा क्षेत्र के गांव जटोला में हरित हरियाणा और पौधारोपण अभियान के अंतर्गत हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक पंडित टेकचंद सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्य अतिथि के यहां पहुंचने पर पृथला सरपंच एकता मंच के प्रधान गिरिराज सिंह ने अतिथियों का फूलमालाओं और पगड़ी बांध करके स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी परवरिश अपने बच्चों की तरह करे तो हमारे देश में कभी पर्यावरण संबंधी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मंत्री ने सभी से अनुरोध किया कि सब लोग एक एक पौधा जरूर लगाएं। पलवल, होडल, जटोला, लीखी और बंचारी में पौधे वितरित हो रहे हैं। उद्योग मंत्री विपुल गोयल के साथ पटला के विधायक टेकचंद शर्मा, पलवल के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरौत, सीएम के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला, फरीदाबाद के डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणवीर सिंह, पलवल निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंगला, फरीदाबाद महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा और कई अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। टेकचंद शर्मा जी ने कहा भी ब्राह्मणों मेरा मांगने खाने का काम है, और बड़े तरीके से साफगोई से एक कुशल आदर्शी की तरह सारी बात भी कह गए, कुछ मांगा भी नहीं। और उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पौधारोपण कर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को पौधे भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की हरियाणा इकाई के तत्वधान में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पौधे लगाने अति आवश्यक हैं। युवा पीढ़ी को भी पौधारोपण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदेशवासियों को हरित हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक पौधा हरियाणवी के नाम पर अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला, विधायक टेकचंद शर्मा,
पूर्व मंत्री हर्ष कुमार सहित अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जिस प्रकार से देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा है, उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में पर्यावरण को स्वच्छ रखना सभी नागरिकों की अहम जिम्मेदारी बनती है। पर्यावरण को बचाने के लिए हर व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष एक पौधा लगाकर उसका पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। पौधारोपण अभियान सफल बनाने के लिए युवाओं को भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। हमें पौधारोपण अभियान को एक मुहिम के तौर पर लेना चाहिए। वहीं विपुल गोयल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम पर व्यापक रूप से कार्य करना चाहिए। वायु को दूषित होने से बचाने के लिए पौधारोपण अभियान की जरूरत है। हरित हरियाणा अभियान के तहत पौधे लगाएं और उन्हें पोषित भी करें। रेगुलर चलेगा, रेगुलर पौधों की कोई किसी तरीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। पौधों का रोज सप्लाई यहाँ पर हो रही है, चाहे 1 लाख पौधे लगे चाहे 10 लाख पौधे लगे। पलवल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वो वृक्ष बन सके पौधों की किसी तरीके। मंत्री जी, हमारे जिस तरह से आपका कार्यक्रम चल रहा है तो उसके लिए रखरखाव की कोई प्रशासन की तरफ से या उनकी तरफ से? मैंने कहा इसीलिए हम पौधों को अडॉप्ट कराने का काम करें कि पौधे लोग अडॉप्ट करें, उसका रखरखाव करें, उसको वृक्ष बनने की बात करें। प्रशासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलर पौधे लगा रहा है, उसके अंदर ट्री गार्ड्स भी लगा रहा है, वो अपना काम प्रशासन कर रहा है, लेकिन लोगों की मुहिम को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर वो लोग अडॉप्ट करेंगे, पौधे का रखरखाव अपने आप करेंगे और सुनिश्चित करेंगे वो वृक्ष बने, तो इसके लिए ही हमने इन्वाइट किया सब लोगों को, एक मुहिम बने। खासकर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, स्कूल के बच्चे और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे क्लब हैं, चाहे जितनी और एनजीओज हैं, सभी लोग इसमें। मंत्री, जैसे कि हमारे यहाँ बांटे जा रहे हैं, बच्चों को पेड़ बांटे जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे भारत? जो भी बच्चा यहाँ पर एक वोट लेकर पौधे को लेकर जाएगा और उनके टीचर भी यहाँ पर साथी को वेस्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, उसका लालन पालन करने के लिए ले जा रहे हैं। आप चाहे स्वच्छता की मुहिम हो चाहे पौधारोपण की मुहिम हो, ये बच्चों आ रही, आपने देखा होगा कितनी तरीके अच्छे तरीके से कारगर से हो रही है कि जब पेरेंट्स कोई कूड़ा गाड़ी से बाहर फेंकने की बात करते हैं तो उनका साथ में बैठा हुआ बेटा और बेटी सबसे पहले रोकता है कि नहीं, इसे गंदगी फैलेगी, इसे रोका जाए। अगर बच्चे भी इस मुहिम के अंदर लग जाएंगे क्योंकि आने वाले फ्यूचर के लिए ये पौधारोपण का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही सक्सेस है, बहुत ही अच्छे। मंत्री जी, जैसे कि समझो सड़क मार्गों के साथ में जो पहले पौधे होते थे, आजकल वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि काट दिए गए हैं और उनके लिए जो जहाँ सड़क मार्ग को बढ़ाया गया वो भी एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा, लेकिन वहाँ पर रेगुलर जो सड़क मार्ग बढ़ रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, उन पर पौधारोपण का कार्य भी साथ साथ सुनिश्चित किया जा रहा है। आप देखेंगे जैसे वो शुरू होगा साथ साथ लग जाएगा। और मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा, सिर्फ ये बात कहकर कि 100 पौधे लगाए थे, 80 रह गए, उसमें से 20 मर गए या 50 मर गए, ये बात ना करके उसको देखें, खाली ग्लास में देखकर भरा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मुहिम नहीं चलाई जाएगी जिसमें से 80 पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, तो किस तरीके से पौधारोपण होगा? जो 80 पौधा बच सके उनका भी तो एक बहुत बड़ा योगदान इस सृष्टि के अंदर होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है, सब लोग मिलजुल कर इसमें सहयोग करें और हम निरंतर प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल रेट। मंत्री जी, औद्योगिकरण की होड़ में हरियाली को नष्ट किया जा रहा है, किस तरह से? उद्योग मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय, मेरे पास पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि उद्योग तो लगाएंगे लेकिन हम किसी भी तरीके से पॉल्यूटेड या अपने एनवायरमेंट को खराब करके उद्योग एनवायरमेंट फ्रेंडली उद्योगों की स्थापना होगी। हरियाणा के अंदर जितने भी नए उद्योग लग रहे हैं ग्रीन इंडस्ट्रीज और पर्यावरण से जो सुरक्षित उद्योग है कोई यहाँ पर, मैंने कहा ना जो पौधे यहाँ पर हैं समरसेबल, मैंने कहा जो पौधे यहाँ पर है मुझे नहीं पता कि समरसेबल के कनेक्शन भी क्या बात है जो है, लेकिन पौधों के लिए पानी पर्याप्त है, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं पौधों के लिए पर्याप्त पौधे का सर्वाइवल रहेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। उनको पौधे पानी कहाँ से मुहिम कराया जाएगा उसको पानी की बात में दिखवा लेता हूँ। समर जो खर्च किया उन्होंने पैसा है हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि उनके वोट उन्होंने उसका पालना किया, उनकी मानना की है कि बगैर किसी अपील का टाइम भी था सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए बगैर उन्होंने उसको स्वीकार किया, जो मान्य उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए और आगे जो जैसे उच्च न्यायालय आदेश दिए सभी लोग नहीं क्या पैसे की रिकवरी करेगी सरकार जो उन्होंने किया जो भी उच्च न्यायालय जो आदेश पारित करेगा। मंत्री जी, वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधे लगाने जरूरी हैं, युवा पीढ़ी को पौधारोपण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को हरित हरियाणा विभाग को आगे बढ़ाते हुए एक पौधा हरियाणवी के नाम पर अवश्य लगाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरित हरियाणा अभियान के तहत 10 लाख पौधे लगाने के लिए मिशन का आगाज कर चुके हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने एक पौधा एक हरियाणवी के नाम का संदेश देते हुए 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित हरियाणा अभियान के तहत पलवल जिले में 5 जगहों पर पौधों के वितरण केंद्र पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पौधे वितरित किए जाएंगे। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड द्वारा हरियाणा प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पलवल जिले में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण अभियान के तहत पलवल जिले में 5 जगहों पर पौधा वितरण केंद्रों पर प्रत्येक रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक निशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वृक्ष लगाने के लिए सारे वातावरण में शुद्धि की बात हो, साथियों आज जहां हम यहां से वृक्ष लेकर के जाए, वृक्ष लगाए भी, और जब तक वो पौधा वृक्ष ना बन जाए तब तक हम उसकी देखभाल भी करें, ऐसा प्रण लेकर के साथियों हम जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने आसपास के, चाहे वो गली है, चाहे मोहल्ला है, चाहे स्कूल है, कोई भी है, हम वृक्ष बांटेंगे तो निश्चित तौर पर जो अभियान आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हरित हरियाणा को लेकर के, और जिसको लेकर के आज हमारे बड़े भाई आदरणीय गुपिल जी को इस बात का पूर्ण रूप से भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, इस पलवल क्षेत्र को जो आपने हरित बनाने की जो मुहिम चलाई है, इसको हम पूर्ण रूप से अपना ध्यान लगा करके, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों को जोड़ करके भी, सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ करके, आपके इस अभियान को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। और साथियों आज इस मंच के माध्यम से मैं भाई विपुल जी से इस बात का अनुरोध भी करता हूँ, क्योंकि आदरणीय विपुल जी हमारे उद्योग मंत्री भी हैं और पलवल के क्षेत्र में जब भी ये आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे करके भी जाते हैं। एक हमारे यहाँ पर जॉब मेला इस पलवल में भी जरूर लगाए, ताकि हमारे बेरोजगार हमारे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सभी अतिथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हुए, और स्काउट एंड गाइड के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके हमारे इस पलवल क्षेत्र का मान बढ़ाया। पटला से विधायक टेकचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पटला में रोजगार मेला लगा था, उसी प्रकार पलवल और होडल में भी लगाया जाएगा। विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा कि पौधारोपण करके पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने एक ऐसे अभियान की शुरुआत की है जिसका भविष्य में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। टेकचंद ने कहा कि आगे आने वाले समय में ये पौधा पर्यावरण तो स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार से अब हरियाणा के लिए पौधारोपण के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जिस प्रकार से पृथला में रोजगार मेला लगाया गया था, उसी प्रकार से अब पलवल, होडल और हतीन में भी इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। एक आयोजन किया गया, भाई विपुल जी आपके कीर्तिमान तो सदैव ऊपर रहे हैं, आपने हमेशा चाहे वो झंडा फहराने की बात हो, चाहे आपने पिछली बार पौधे लगाने की बात हो, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में लाने की बात हो, आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं होता। आप तो अपने आप में ही एक ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी व महान नायक के रूप में काम करते हो। हम इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि फरीदाबाद और पलवल जिले के अंदर आपका आशीर्वाद हमारे क्षेत्रों को मिलता है। अभी आपने देखा होगा, लगभग 15-20 दिन पहले हमने एक जॉब मेला पृथला के अंदर लगाया था, जिसमें लगभग 1200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और इस शनिवार इतवार में उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। ये भी एक पेड़ लगाने से भी बड़ा एक पुण्य का काम था। छाया दो प्रकार की होती है, एक तो माँ बाप की छाया होती है, बाकी इस गर्मी के अंदर अगर जरा सी धूप आ जाए, बारिश आ जाए, तो सब आदमी किधर भागते हैं, पेड़ों की छाओं की तरफ। आज इस पुण्य पावन का पर्व पर मैं भाई विपुल जी को मुबारकबाद भी देता हूं, और हमारा ये धर्म भी बनता है कि
कि जितने वृक्ष हम लगाएंगे हम उतना ही अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कामना करते हैं। आज विपुल जी, पुण्य कामों में हमेशा आपका आगे बढ़ चढ़ के आपने काम किया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा होटल हसनपुर हतीन और पर्पल, ये चार जो ब्लॉक हैं, ये बिल्कुल अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं और आपसे हमेशा नजदीकी आदमी से, क्योंकि आप हमारे अपने हो, आप हमारे लिए लड़ाई लड़ते हो, इसलिए आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उद्योग मंत्री भी हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं और भी आपका मंत्रालय है, आप इसमें जब तक होटल हतीन और हसनपुर के अंदर कोई यूनिट आप हमारे यहाँ टेक्सटाइल पार्क या इस तरीके की चीजें नहीं लगाओगे तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना मुश्किल है। और आपसे जिस तरीके से बातें होती रहती हैं, आपकी मनिच्छा भी है, आपका धर्म भी बनता है और हम लोगों का ये फर्ज भी बनता है कि आपको इस मंच के माध्यम से हम बताएं कि आने वाले समय में हमारे इन चारों क्षेत्रों में जो रोजगार की कमी है उसको बढ़ावा देते हुए आप इन बेरोजगारों को रोजगार देने का कष्ट करेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए भी एक प्रार्थना भी करना चाहता हूं जितने साथी यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस मकसद से आप यहां पे आज आए हैं, वृक्ष लगाने के लिए अभी भाई का प्रोग्राम मंत्री जी का जटोला में भी है, मेरे अंदाज में तो अभी हसनपुर भी 14-15 हजार पेड़ वहां पे भी गए हुए हैं, अन्य जगह पर भी सब जगह पे है। ये वृक्ष ले जा करके खाली घर में बच्चों रखने का नहीं है। आपको एक चीज की शपथ लेनी पड़ेगी कि जो पेड़ हम यहां से लेकर के जा रहे हैं, अगले साल उसका फोटोग्राफी के साथ ये बताएं कि हमारा पौधा हमसे भी बड़ा हो गया है, इसके लिए इसकी ये मुहिम जब ही हमारी पूरी हो सकती है। सरकारी अनाज को मंडी में बेचने की नियत से ले जाने और डिपो पर राशन के वितरण में गड़बड़ी करने को लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गांव बढ़ोली के डिपो नंबर 457 पर स्टे लगा दिया, जिसको जल्द ही रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किठवाड़ी चौक पर एक ऑटो में अनाज के 15 कट्टे पकड़े गए थे, जो की जाँच करने में सरकारी अनाज के पाए गयी। जांच में पता चला कि गांव बढ़ोली निवासी संजीव को जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से डिपो दिया गया है और ये अनाज उसी के डिपो से ले जाकर मंडी में बिक्री के लिए जा रहा था। पुलिस ने मौके से ऑटो और अनाज को बरामद कर लिया था। बहरहाल जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। प्रथम जांच में पाया गया है कि संजीव डिपो पर गरीबों को दिए जाने वाले राशन में भारी गड़बड़ी करता था, जिसको देखते हुए डिपो पर स्टे लगाया गया है और बाकी मामले की अभी जांच की जा रही है। थ्री व्हीलर में पकड़ा गया था किठवाड़ी चौक से, और ये पुलिस के थाने में गया था वहाँ से, और वहाँ से SHO ने मेरे नाम एक लेटर मार्क करा था और वो मेरे पास उसी दिन आया लेटर, और उस लेटर के बेस पे मैंने इस डिपो की इंक्वायरी करी। खुद मैं और AFSO मिस्टर सुरेश कुमार पंचाल गए थे वहाँ और हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ, तो जो वहाँ से इस डिपो में कमी पाई गई वो, और जो इसने अनाज मंडी में ले जाना था बेचने के लिए, उसमें से मैंने खुद देखा वो अनाज डिपो धारक का था जो ड्राइवर ने स्टेटमेंट दी है, लेकिन उस अनाज को इसने प्राइवेट कट्टों में फिलिंग कर रखी थी और हाथ से उसको बांध रखा था। तो इसमें हमें डाउट ये हुआ अभी ये हो सकता है सरकारी गेहूँ, लेकिन सरकारी कट्टों का कोई अभी इसमें वो नज़र नहीं आया, कोई मार्क लग रहे हो या कोई स्टीचिंग होते हैं सरकारी कट्टे जो होते हैं अनाज के, तो लेकिन हमने फिर भी इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई डिपार्टमेंटल विभाग या जो कार्रवाई बनती थी, हमने इसका कल से हम SHO लिख दिया था और इसकी FIR दर्ज हो चुकी होगी अब तक, तो हमने जो भी कार्रवाई कानूनी या डिपार्टमेंटल कार्रवाई वो इसके खिलाफ कर दी हमने अपने लेवल पर जितना भी था, और आगे भी जैसा ऐसे ऐसे मामले कहीं आएंगे उनको भी फिर हम इंटेंकल करेंगे कहाँ क्या कमी है, और उस कमी को हम चाहे कानूनी रूप से है या वो डिपार्टमेंट किस लेवल पे उसको सॉल्व करने की हर तरीके से उसको पब्लिक इंटरेस्ट में कोशिश पहले भी करी और आगे भी करेंगे। ग्राम पंचायत भमरौला जोगी द्वारा नालियों के निर्माण में घटिया सामग्री की जांच को लेकर खंड विकास एवं पंचायत विभाग की टीम बृहस्पतिवार को मौके पर जाकर जांच की।
जांच के दौरान निर्माण सामग्री के सैंपल भरे गए। सैंपलों को जांच के लिए दिल्ली प्रयोगशाला भेजा जाएगा। गांव के पंच राजपाल ने सीएम विंडो में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि गांव के सरपंच ने पिछले साल पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया था। आरोप है कि निर्माण में सरपंच द्वारा डाली गई सीसी उपयुक्त मात्रा में नहीं थी। इसके अलावा जो नाली बनाई गई उसकी लंबाई ज्यादा दर्शाई हुई है। पंच राजपाल का आरोप था कि सरपंच ने विभाग के कनिष्ठ अभियंता से मिलीभगत करके गलत मापतोल दिखाया है। इसके अलावा निर्माण कार्य में जमकर के घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। ये नाली घटिया सामग्री के कारण जल्दी ही टूटने लगी है। मामले की जांच खंड विकास विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई। विभाग की तरफ से कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार की अगुवाई में एक जांच दल गांव में पहुंचा। जांच दल ने निर्माण में किए गए सामग्री के सैंपल लिए। इसके अलावा कार्य की दोबारा से मापतोल की गई। इन सैंपलों को सील करके जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरपंच के खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी। सरपंच ने बिल ज्यादा दे रखा है और काम थोड़ा हुआ है, एक चौथाई काम हुआ है। क्या क्या काम करवाए? वे फिलिंग थी, सिर्फ नालियों की फिलिंग कहते हैं इसे। आरसीसी डाली है, 3.5 इंच कागज हम दिखा रखे है, 1-1 इंच ऊपर। तो आपने कहाँ शिकायत दी, कौन आए चेक? मैंने एसडीएम को किया, फिर उसको डीडीपीओ को किया और यहाँ से उसने एसडीओ पंचायत ने भेजे हैं। ये ब्लॉक है 3 से जेई थे 3। कौन कौन थे? एक तो सुनील था, एक महावीर जी, एक और कोई, एक प्रवीर। तो उन्होंने सैंपल भरे हैं या उखाड़ के देखे हैं? नहीं, सैंपल भरे हैं, उखड़वाए हैं उन्होंने। और वो पैमाइश क्या पाएगा वो तो अब वो बताएगी। पैमाइश की तो बता दें, 1-1 इंच हाँ, तो पैमाइश तो मतलब जो 3.5 इंच आरसी से दिखा रखी थी वो 1 इंच मिली है। और जो मोटे वाली है, जो 4 इंच जो 4 इंच दिखा रखी है वो 2 इंच मिली है, 2.5 इंच मिली है, कहीं 2 इंच कहीं 2.5 इंच। हाँ, सरपंच घपला कर रहा है नाली बनाने। हाँ, मोटो घपलो। क्या मांग करते हो आप? इसकी मतलब पूरी तरह से मतलब निष्पक्ष जाँच हो के, मतलब इसकी श्रीराम मुआफी जांच करे। हाँ, श्रीराम लैब गुड़गांव है, बस निष्पक्ष जांच हो और मतलब रिकवरी की जाए या सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सरपंच जी वीरेंद्र सनोब हरदत जी, इसमें जो ये रास्ता की नाली बनवाई, ये करीब 600 फुट के करीब है और इसकी भाई साहब नंबरदार राज्यपाल ने एप्लीकेशन लगा रखी है। उस एप्लीकेशन में के उसके इंक्वायरी थी, आज 3 JEE आए थे जिन्होंने कमेटी थी जो इसकी पैमाइश करके ले गई। तो 110 फुट के करीब तो बनी ही नहीं है बिल्कुल, वो भी बनी दिखा रखी है। और जो इसमें माल है 3.5 इंच तो सीमेंट की रोड़ी जो मिली हो वो डलनी चाहिए, आरसीसी बोलते हैं जैसे, वो 1 इंच मिली है, कहीं 1 इंच से कम मिली है। और जो मोटे वाले गिट्टी होती हैं वो कम से कम 4 इंच होती हैं, जो 2 इंच मिली हैं कहीं 2.5 इंच मिली हैं, कहीं 1.5 इंच मिली हैं। तो वो काम सही ढंग से नहीं किया, इसमें बहुत ज़्यादा घपलेबाजी है। हम तो इसकी जांच करवा रहे हैं जी, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी हमें ये है कि जो हमारे गांव का पैसा है जो बर्बाद हुआ उसकी रिकवरी हो। हतीन बिजली बोर्ड के बिजली कर्मचारी की मौत को लेकर एएलएम के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हतीन बिजली बोर्ड में तैनात दीपक नामक कर्मचारी की मौत हो गई थी। जब मृतक बिजली की 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन खंबे पर चढ़ा हुआ था तो बिजली कट होने के बावजूद भी करंट लगने से मौत हो गई। हतीन थाना चौकी प्रभारी ने बताया कि हतीन स्थित वार्ड नंबर 1 के रहने वाले सुभाष चंद ने बिजली विभाग में तैनात एएलएम असरू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब मृतक दीपक बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए काम कर रहा था तो अचानक बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली बोर्ड में तैनात एएलएम असरू की लापरवाही के चलते दीपक की मौत हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब बिजली ही कट कर दी गई थी तो उसमें बिजली किस तरह से पास हुई जिसकी वजह से बिजली कर्मचारी की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके गहनता से जांच शुरू कर दी है। जो परसों रात को 10 बजे लाइन में काम कर रहा था, एकदम लाइन छूटने के कारण इसकी परसों ही मौत हो गई। कल इसका पोस्टमार्टम करा के लास्ट बारिशान को दे दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तफ्तीश जारी। किसके कहने पे मुकदमा, किसके खिलाफ? ये सुरेश चंद है, वार्ड नंबर 1 अतीन का, उसके बयान पे मुकदमा दर्ज हो रहा है। किसके खिलाफ हुआ? एएलएम असरू के खिलाफ दर्ज हो रहा है। तो अभी
गिरफ्तारी अभी गिरफ्तार नहीं है। तफ्तीश।